झारखंड हाई कोर्ट के JSSC परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को भी लंबी सुनवाई हुई। वहीं चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में प्रार्थियों, राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सुनवाई पूरी हो गई है। सभी का पक्ष सुनने के बाद अब खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से सरकार से जानना चाहा कि अब आरक्षित कोटि के लोगों को राज्य से बाहर के शिक्षण संस्थान में 10वीं व 12वीं की पढ़ाई के बाद नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है, तो अनारक्षित वर्ग के लोगों को यह छूट क्यों नहीं दी गई। वहीं खंडपीठ ने कहा कि क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी अंग्रेजी को रखा गया है, जिसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं का मार्क्स जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने नियमावली का बचाव करते हुए खंडपीठ को बताया कि नियमावली में प्रावधान पूरी तरह से संवैधानिक है, यह किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है। नियमावली में संशोधन के माध्यम से यहाँ के रीति रिवाज व भाषा को परखने के लिए मापदंड तैयार किया गया है। हिंदी व अंग्रेजी के क्वालिफाइंग पेपर 1 में रखा गया है। बता दें कि स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भाषा को पेपर 2 से हिंदी व अंग्रेजी को हटाया गया। बाकी अब देखना यह है कि हिंदी और अंग्रेजी हटाने के बाद मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है और इसमें कितने सफल होते हैं वहाँ के छात्र छात्राएं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।